सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल, आपके लिए लेकर आया हूँ जियो फोन के बारे में टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियो फोन के अंदर दोस्तों मैसेजिंग एप्लीकेशन दोस्तों वो जियो स्टोर के अंदर अवेलेबल हुआ है, तो दोस्तों आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों कमेंट भी आया था दो भाइयों के कि हमारा जियो फोन के अंदर यह एप्लीकेशन की सहायता से हम फोटो वीडियो कैसे सेंड करें, तो दोस्तों आज आपका नाम भी लिया जाएगा कैसे कैसे आपको दोस्तों सेंड करना है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले दोस्तों जियो फोन का ऐसे डेटा कनेक्शन ऑन करना है। दोस्तों डेटा कनेक्शन ऑन करने के बाद दोस्तों आपको मेन्यू प्रेस करना है और इस स्टोर को ओपन करना है जियो स्टोर को। और दोस्तों आपको पता है जियो फोन के अंदर दोस्तों 2 जनवरी को हॉटस्पॉट और यह मैसेजिंग न्यू एप्लीकेशन मिला था, और दोस्तों वो ओनली फॉर 90 मॉडल के अंदर ही मिला था, और 10 के बाद और मॉडल है उनके अंदर हमारे को लगभग 10 तारीख के बीच मिला था। तो ये जोड़ी ले रहा स्टोर, और दोस्तों 10 तारीख के बीच में लगभग मिला था। तो दोस्तों आपको पता है हॉटस्पॉट है वो रिमूव कर लिया गया था, क्यों कर लिया था गया था वो दोस्तों काम नहीं कर रहा था। और दोस्तों ये मैसेजिंग एप्लीकेशन दोस्तों इसके अंदर दोस्तों कुछ अपडेट थे वो कंपनी ने रिमूव कर लिए गए थे। दोस्तों क्यों रिमूव कर लिए थे कि कर लिए गए थे ये दोस्तों वो काम भी नहीं कर रहे थे, यानी उसका अपडेट था वर्जन था वो यानी मोबाइल का वर्जन है वो इस ऐप के साथ काम नहीं कर रहा था, तो दोस्तों कंपनी ने इसको रिमूव कर दिया इस अपडेट को उस वक्त, और हॉटस्पॉट को भी रिमूव कर लिया था। और जो हमारे को जब तक सावन भी मिला था जियो फोन के अंदर आपको याद होगा। तो दोस्तों स्टोर ओपन हो गया, अब दोस्तों आपको नीचे आना है। स्टोर ओपन जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे दोस्तों आपको दोस्तों एक रात ये एप्लीकेशन भी लॉन्च है फीचर फ्रेंड या फीचर फ्रेंड ये न्यू एप्लीकेशन भी है, और आप दोस्तों आप उस ऐप के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो उस ऐप को ढूंढते हैं यहाँ पे स्टोर के अंदर विजिट करते हैं। व्हाट्सअप ये दोस्तों व्हाट्सअप और मैसेज दोनों ये दोस्तों व्हाट्सअप भी अपडेट है वो भी आपने कर लिया होगा। चलो इस मैसेज एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पर अपडेट है, अपडेट कर लिया दोस्तों अच्छी बात है, यदि नहीं किया तो अपडेट कर लो। ऐसे अपडेट करने के बाद ऐसे आपको ओपन कर देना है, इसको ओपन करोगे तो ये इस तरह का कुछ इंटरफेस लेगा। तो ये लोडिंग ले रहे, और लोडिंग लेने के बाद अब देखो दोस्तों गूगल वेरिफिकेशन है तो कोई मैसेज है। अब दोस्तों बात आती है कि इसके अंदर हम सेंड कैसे करें, तो दोस्तों आपको पता है इसका वर्जन पहले आपको याद होगा 1.7.9.6 इसका वर्जन था पहले इसका मैसेजिंग एप्लीकेशन का। और इसके अभी वर्जन क्या है देख लेते हैं के बारे में जाते हैं। इसका वर्जन है 1.8.2.0 यानी इसका वर्जन 1.7.9.6 से 1.8.2.0 बढ़ा दिया गया, यानी इसका कुछ वर्जन पॉइंटों में बढ़ा दिया गया, यानी इसके अंदर न्यू अपडेट डाल दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं इसके अंदर क्या क्या नया मिला है, क्या कुछ कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। यानी इसके अंदर दोस्तों एक तो यह मिला नया देख सकते हैं आप, सेटिंग के अंदर दोस्तों आपको जाएगा SMS और शेयर दोनों ये ऑप्शन मिलेंगे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ऑटो डाउनलोड फाइल यानी जो भी वीडियो फाइल ऑडियो होगी वो ऑटो डाउनलोड हो जाएगी अपनी मेमोरी कार्ड या इंटरनल स्टोरेज के अंदर। अब बात आती है दोस्तों हम इसके साथ वीडियो फोटो और संपर्क इमोजी कैसे सेंड करें। दोस्तों यह कोई न्यू संपर्क है इस पर यूज करते हैं, इस पर सेंड तो हो जाएगा लेकिन आगे सेंड नहीं होगा यानी उसके पास पहुंचेगा नहीं, डिलीवरी नहीं करेगा कर पाएगा वो व्यक्ति। अब दोस्तों पहले अटैच था ये अटैच, पहले ये ऑप्शन नहीं था, इस अटैच पे प्रेस किया मैंने। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इमोजी, पहले सो इमोजी इनकी बाद में नीचे वाले की बाद में बात करेंगे, पहले इमोजी पे लेते हैं यानी इस इमोजी को चूज किया। और यहाँ पे बहुत सारे चूज करके हम भेज सकते हैं इस तरह, देखो इसे चूज करें यहाँ पे एडिट के लिए, एडिट करके नीचे आ जाएंगे यानी काट सकते हैं इसको, और यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर दिए तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या है सेंड भी कर सकते हैं इस तरह, तो मैंने सेंड किया तो ये सेंड नहीं हो गया क्योंकि ये कंपनी के नंबर पर सेंड नहीं होता है। और यहाँ पे अब दोस्तों बात आती है संपर्क साझा के, संपर्क साझा करोगे तो संपर्क भी साझा हो जाएंगे, देखो संपर्क इस तरह साझा होंगे देखो। अब ये संपर्क सेंड करें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 संपर्क ही भेज सकते हैं इस तरह के साथ संपर्क भेज सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे अटैच की,
मीडिया फाइल। अब दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन देखो, ऊपर वाले तो थोड़े गहरे हैं और नीचे वाले थोड़े इसका कलर है वो थोड़ा फीका है, यानी इसका कलर कम है। दोस्तों इस पे हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे ऊपर लूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा और नीचे लेंगे तो ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों, इसकी वजह क्या दोस्तों हो सकती है आपको दोस्तों बताता हूँ। इसका वो वर्जन है वो तो अभी तक छोटा है, इसलिए दोस्तों इसका नहीं है। अब दोस्तों आपको एक बार बताता हूँ कि इस कमेंट किस व्यक्ति ने किया था। एक दोस्तों जितेंद्र ने किया था और एक व्यक्ति ने किया था सुनील ने, और उन्होंने बोला था कि इसके अंदर हम वीडियो और फाइल ऑडियो इनको कैसे सेंड करें। तो भाई इसके अंदर अभी तक इसका वर्जन है वो बहुत कम है, यानी इसको छोटा है, यानी पहले छोटा था पर दोस्तों कंपनी थोड़ा बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों इसको स्टोर के अंदर डाल दिया गया है भाइयों, और इसके अंदर अपडेट मिलेगा अगला, तो नेक्स्ट अपडेट के अंदर दोस्तों ये मिल सकता है आपको। तो अब स्टोर के अंदर तो डाल दिया गया है, पर दोस्तों अब अपडेट आएगा तो स्टोर के अंदर अवेलेबल शो कर देगा। अब दोस्तों एक एक दो अपडेट और दोस्तों कॉपी करें, चलो ये तो सही बात है। और ये दोस्तों इसकी बात क्या दोस्तों, इस चैटिंग पे लोग दोस्तों तो यहाँ पे जाएंगे ना संपर्क में जोड़ दोस्तों, ये एक न्यू अपडेट है, यानी ये रात ही अपडेट मिला है हमारे को। यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल डिटेल, तो इसके कॉन्टेक्ट डिटेल ही हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सेटिंग है ये तो, और यहाँ पे एक साइट हो सकते हैं और एक साइट हो जाते हैं। तो अब दोस्तों हमको एक वीडियो ओपन करना है, यानी वीडियो मैनेजर। यहाँ पे देखो इसी को यहाँ पे साझा करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा संदेश। दोस्तों संदेश पे ओके करोगे आप सोचेंगे कि हम यहाँ से सेंड करें, पर दोस्तों यहाँ पे सेंड नहीं होगा यहाँ पे, क्यों नहीं होगा, इसका वर्जन है वो अभी तक छोटा है इसलिए सेंड नहीं होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रेस किया है, और दोस्तों यहाँ पे आप जाएंगे ना ऑडियो वो होता है ना क्या है ऊपर वीडियो फाइल भी, यानी अब फाइल थोड़ी बड़ी है तो छोटी फाइल चूज कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल तो दो दो सेकंड की भी मिल सकती है। यहाँ पे देखो 1.6 को चूज करते हैं, साझा करें संदेश पे, और थोड़ा मोबाइल को नीचे लेते हैं, ऊपर से ऑप्शन आ सकता है कुछ। तो ये मैंने लोडिंग लिया है, और यहाँ पे देखो किस व्यक्ति को आप सेंड करोगे। नीचे लेता हूँ, मैंने प्रेस किया इसके अंदर, और यहाँ पे देखो अटैच करोगे तो यहाँ पे ये सेंड नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर वो ऑप्शन है वो अभी तक थोड़े गहरे नहीं है इसलिए सेंड नहीं होगा। और आप इस तरह गैलरी के अंदर भी जाओगे तो गैलरी के अंदर से भी दोस्तों देखो साझा करें, यहाँ पे संदेश वाला ऑप्शन भी मिल गया है, देख सकते हैं आप। और एक दोस्तों अगला अपडेट है दोस्तों इसके अंदर हमारी इस म्यूजिक प्लेयर खोजना, और साझा करें संदेश वाला ऑप्शन भी आ गया है। क्यों आ गया दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे ये सपोर्ट का ऑप्शन तो है पर दोस्तों अभी इसका वर्जन नहीं डाला गया। एक दोस्तों इसके अंदर भी मिल सकता है ये है ना नोट्स, यानी इसके अंदर नोटिस सेव कर सकते हैं हमारा, यहाँ जो नोट होते हैं नया कर देते हैं कुछ सेव कर लेते हैं। इसको यहाँ पे क्या करते हैं साझा करें, यहाँ पे भी देख सकते हैं साझा संदेश के माध्यम से हम कर सकते हैं। देखो ये मैसेजिंग वाला एप ओपन होगा, पर दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों बात यही है कि अभी तक इसका वर्जन है वो छोटा है, यानी इसको हम वीडियो वा ये वो ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करके हम सेंड नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों इसका वर्जन छोटा है अभी तक। जब दोस्तों हॉटस्पॉट आया था तब इसका वर्जन दोस्तों बहुत बड़ा था, यानी इसका वर्जन था ना उतना डाल दिया, पर दोस्तों कंपनी अब धीरे धीरे इसके अंदर ग्रो करेगी इस मैसेजिंग एप्लीकेशन के अंदर। और ये देखो स्टोर के अंदर अवेलेबल हो गया दोस्तों ये एप्लीकेशन, तो उसमें अगला अपडेट आएगा तो यहाँ पे अपडेट शो करेगा और हम अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि जियो फोन के बारे में दोस्तों जब भी कोई नया वीडियो आई उनको आप सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक, वीडियो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। नीचे कमेंट बॉक्स में मिला तो सही बात है, एक साथ एक स्पेशल लाइक के लिए।